सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर हो आसमां पर तो जमी वालों से जलना क्या, अगर हो चांद सूरज तो चमक जुगनू की खलना क्या, बड़े हो तो बड़प्पन का जरा लहजा भी तो रखो, जरा सी बात पर अक्सर यू बच्चों सा उछलना क्या। जन्नत की महलों में हूँ महल आपका, ख्वाबों की वादी में हूँ शहर आपका, सितारों के आंगन में हूँ घर आपका, दुआ है सबसे खूबसूरत हो हर दिन आपका। आज का पंचांग 13 सितंबर 2020 दिन रविवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात्रि 3:16 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र शाम 4:34 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:57 से 6:28 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 10:36 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 13 सितंबर 2020 दिन शनिवार, अपने दुख को रहस्य न रखें। अगर आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन गया है तो शांति और मार्गदर्शन के लिए अपने परिवार और दोस्तों की राय लें। अचानक मिला धन योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। बुराइयों से बचें और इसकी जगह नेचर का मचल लें। अजहर किसी का ध्यान केवल आप पर होगा। आपकी मन स्थिति आज उत्साहित हो सकती है। जिन नई दिशाओं को आपने अब पाया है वो आपके लिए सुखद और हैरान करने वाली है। याद रखें कि इतिहास केवल उनको ही याद रखता है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और उनका पालन भी करते हैं। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा तथा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। युवाओं को आपसी वार्तालाप से अपनी किसी समस्या का हल भी मिल सकता है। पिता से हुए विवाद समाप्त होंगे। परिवार से जुड़े निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे और परिवार के सदस्य आपका साथ भी देंगे। आपकी शान शौकत में भरी लाइफ स्टाइल से बुजुर्ग नाराज हो सकते हैं। काम को लेकर आपका उत्साह और आत्मविश्वास ज्यादा देर टिकेगा नहीं। फिर भी काम को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। काम खत्म होने तक उनके परिणाम का डर आपको सताएगा। सावधानियां। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा तथा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। युवाओं को आपसी वार्तालाप से अपनी किसी समस्या का हल भी मिल सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं। अपने गुणों और मानसिक शक्तियों के कारण आप वो सब कुछ पाने में सक्षम हैं, जिनकी भी आपको इच्छा है। अपने चाहत के इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना ना भूलें। इससे आपका रोमांटिक जीवन और भी स्पाइसी बन जाएगा। सफर करते समय सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। मूड के बदलाव बाद भी चाहत में आपकी बेहतरीन उत्पादकता और आउटपुट आपको विशेष परिणामों से नवाजने वाली है। आज आप सबके आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अपने प्यार के साथ का मचा लें। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को अपने दिल में संजो कर रखें। करियर की बात करते हैं। अच्छा आपकी योजनाएं या काम पूरे होने की संभावना कम है, किंतु आने वाले समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। किसी की बुराई या दोष निकालने से अच्छा है
खुद के विचारों को शुद्ध करना, नया व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। आप आज सबके आकर्षण का केंद्र होंगे। आप में से कुछ अब नई जगह और नए प्रोजेक्ट का मजा ले सकते हैं और इससे आपके प्रयासों को नई शुरुआत मिलेगी। आपका काम आपको शानदार महसूस कराएगा। जीवन के इस नए दौर के लिए तैयार रहें। याद रखें, अपने सपनों का अनुसरण करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सेहत की बात करते हैं। आज आपको सेहत के प्रति सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा खाना खाने से हो सकता है आपको जिम जाना पड़ जाए। आपको दिन भर के इस नक्शे पर नियंत्रण रखना होगा। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव के 21 नामों का जाप करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।